सर, राहुल कृति सिंह ने आखिर जन सुराज को क्यों चुना? उनके पास कई सारे मौके थे और आपने ग्रामीण स्तर से उठकर बड़े जगहों पर काम किया है, काफ़ी बड़ा समाज है आपका। आखिर कुछ तो ऐसा सोचा होगा जन सुराज के लिए। जी, मुझे राजनीति से कोई लगाव नहीं है, जैसे आम लोगों को है, नहीं रहता है, मुझे भी कोई लगाव नहीं है। तो मौका मिला प्रशांत जी को जानने का, और सबसे पहला सवाल मुझे ये दिखा कि अगर बिहार के लिए कोई भला करने आया है और अगर हम उसको साथ नहीं देंगे तो ये मेरी चूक होगी, मेरी भूल होगी, इसलिए मैं प्रशांत जी के साथ हूँ। उनको कोई भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे करोड़ों में हम कह सकते हैं आज के डेट में। प्रशांत किशोर ने आपके क्षेत्र को, आपके इलाके को सबसे पहले चुना और वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत की। क्या लगता है सिवान में उनके आने के बाद सिवान में क्या कुछ लोगों की जो सोच है वो बदली है? सोच तो बदली है, सोच बहुत अच्छे दिशा में बदली है, खास करके युवाओं में और महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो भाग्य कहेंगे सिवान का कि ऐसा एक बिहार का पुत्र हमारे धरती से शुरुआत किया, और उसको साथ देना चाहिए, खास करके सिवान के लोगों को साथ देना चाहिए, एक साथ जुट के किसी भी जाति धर्म को, खास करके महिलाओं को और युवाओं को। 2025 विधानसभा को लेकर आप लोग कितने तैयार हैं और इस जन सुराज को पार्टी कब बना रहे हैं? 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बन रही है, तैयारी का तो आप देख सकते हैं, आज तक इतिहास में कोई ऐसा तैयारी नहीं हुआ होगा, 2 साल का पद यात्रा हमारे प्रशांत जी की ओर से, और सोचने समझने और उसकी तैयारी की ही एक रोड मैप कह सकते हैं बनाया गया है कुछ भला करने के लिए। उन्होंने पहले दूसरों को नेता बनाया, अब बारी है उनकी टीम की। हाँ, मतलब ये व्यक्तिगत राय है कि जब उन्होंने ये कार्य शुरू किया और नेता को बनाने में वो महारत हासिल किए, तो इस बात पे उनको आया कि हम बिहारी हैं, बिहार का हालत बहुत ख़राब है, तो ये चीज़ मेरा दायित्व बनता है कि बिहार को जाके मदद किया जाए या यहाँ के लोगों को उठाया जाए, और वही कार्य कर रहे हैं सब काम छोड़ के। अब उनकी पार्टी में अगर देखा जाए तो 6 ऐसे IAS IPS हैं जो रिटायर हो चुके हैं और वो जुड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह लगता है कि जिन्होंने समाज के एक पद पे रह के सेवा की है, अब वो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ वजह लगता है? देखिए, कुछ तो व्यक्तिगत IAS IPS को मैं जानता हूँ जो बोलते हैं कि मेरा उम्र हो गया, हम लड़ने वाले नहीं हैं, फिर भी जुड़े हैं। आप, उसका जवाब उसी में है, वो जानते हैं, इतना दिन रहे हैं समाज को, किसी सुलझे हुए राजनीतिज्ञ और राजनीति की आवश्यकता है, पुरानी राजनीति का समय अब पूरा हो गया। क्या लगता है वैसे लोगों के मन में ये जरूर है कि प्रशांत किशोर जिस सोच के साथ चल रहे वो समाज को बदल सकते हैं जो उन्होंने पद पे रह के भी बदलने की कोशिश की है? देखिए, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं कुछ कर सकता जब तक एक समूह नहीं खड़ा हो, खास करके आप सब बात को भूल जाइए, अगर समाज में इतनी ही जागरूकता हो जाए कि जो भी हमारा MLA प्रमुख MP बनता है वो जाति और धर्म से ऊपर उठ के और कोई भला समाज के लिए काम किया है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी पार्टी को करें, लेकिन जब ये धारणा बन जाएगी कि पार्टी और व्यक्ति विशेष से नहीं, जो आदमी आता है और काम करता है उसको हर जाति धर्म का आदमी हाथ देता है, साथ देता है, कंधा देता है, उसी दिन समाज बदल जाएगी। इससे ज़्यादा प्रशांत जी भी नहीं समझा रहे हैं, बस इतना ही बात समझा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं मांग रहे हैं, और गलत बात है तो बताइए। जैसे हमने सुना था एक जगह, बहुत रिसेंटली एक कहीं पढ़े थे, बड़ा सुंदर सा वाक्य था कि हमने वोट उसको दी, हमने वोट उस कुल्हाड़ी को दिया जिसमें लकड़ी मेरे समूह की थी, तो ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, वो तो अंत में कुल्हाड़ी ही है। आप मतलब वो पेड़ उस कुल्हाड़ी को वोट कर दिया जो जिसमें लकड़ी उस पे मतलब उस इसके थी, तो फिर तो वही होगा। तो पेड़ की थी। अब आपको इतना ही ध्यान देना होगा, आप समझिए टाइम आ गया है, ये राजनीति से ऊपर का हम लोग का प्रयास है कि भाई इतना ही समझ जाइए कि आपका जो भी प्रतिनिधि है, अगर उसमें इच्छा शक्ति है और ईमानदारी है कि आपके लिए भला करने का प्रयास कर रहा है, वहीं पे समाज बदल जाएगा। कितने विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं आप? पूरा जितना भी है, लगभग
लड़ने वाले हैं। महिलाओं की भागीदारी कितनी रहेगी इसमें, खासकर प्रशांत किशोर के साथ, उनकी पार्टी के साथ? जितना हम प्रशांत जी को जानते हैं, जितना हमने प्रशांत जी के मेहनत को देखा है और महिलाओं के उत्साह को देखा है, उतना रहेगी जितना अभी तक नहीं रही है। इसका दो जवाब हो सकता है। पहला जवाब ये कि आप अक्सर देखिए कि जब कोई बड़ा मुद्दा होता है उस समय जाति काम नहीं करती है, जिसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि बीजेपी को मोदी जी के नाम, मोदी जी तो आपकी जात के हैं नहीं, आप वोट करते हैं जो भी कारण हो। तो जब भी कोई मुद्दा बड़ा हो जाता है तो जाति वहाँ काम नहीं आती है, लोग इतने सुलझे हुए हैं। और यही बात, दूसरा बात प्रशांत जी का यही कहना है घूम घूम के कि भाई सब बात भूल जाइए, 5 किलो अनाज को भी भूलिए, और 5 किलो अनाज से आपको लगता है कि आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी का भला होने वाला है, तब तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, ये जो पलायन हो रहा है बिहार का वो उसको रोकना है, तो जो आपका प्रतिनिधि है वो अगर समाज के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ के कुछ काम इच्छा शक्ति से कर रहा है, आप सिर्फ उसको वोट दीजिए। अगर ये ही बस अगर प्रथा बन गई तो बिहार को बदलने में कोई नहीं रोक सकता है। प्रशांत किशोर को सीएम बनना चाहिए बिहार को बदलने के लिए? हाँ हाँ, अरे हमसे पूछे एकदम बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, वैसा काबिल सीएम मिलेगा कहाँ। लेकिन ये बाद की बात है। अब क्या आपको समस्या खासकर बिहार में देखने को जो मिल रही है खासकर? हम तो ये सवाल पूछेंगे क्या समस्या नहीं है। आपका शिक्षा, आपके महिलाओं का जो कष्ट है, आपके युवाओं का जो रोजी रोटी पलायन का मुद्दा है, आपके स्वास्थ्य, आपके किसी भी मुद्दा को बोलिए, कोई एक मुद्दा बताइए जो हाँ ये ठीक है, ये चलेगा तो हम मान जाएंगे। एक मुद्दा बता दीजिए। सरकार तो कहती है कि सड़क और बिजली की जो व्यवस्थाएं उसने उनके सबसे बेहतर काम किया है। ये इस बात में हम नहीं जाएंगे कि वो कहाँ खराब है और कहाँ नहीं है। हम इतना ही बोलेंगे कि बिजली और सड़क से समाज सुधरेगा। वैसे तो हम इसका भी आपको दे सकते हैं बहुत सारा, ये कि जहाँ पे एक कहा जा सके कि बात पूरी तरह से सही नहीं है, किसी तरह से सही नहीं है। लेकिन ये कोई मापदंड नहीं हुआ सरकार या प्रतिनिधि को चुनने का कि सड़क और बिजली से, आपको स्वास्थ्य, आपको शिक्षा, आपको महिलाओं का जो पिछड़ापन है, आपका जो पलायन है, हम तो मतलब क्या बोले, 100 लिस्ट बना सकते हैं। यही पलायन वजह बनी कि बिहारियों को एक गाली शब्द में जाने जाने लगा। हाँ, यही बात तो हम पिछले बार भी कुछ लोगों से चर्चा किए थे, सिवान के यहाँ पे जो हुआ था वहाँ पे भी बोले थे। आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, प्रशांत किशोर एकमात्र आदमी है हिंदुस्तान भर में, जब महाराष्ट्र में इनको बुलाया गया कि आप आके हमको मदद करें, तो उन्होंने शर्त में एक ही चीज़ मांगा कि बिहारियों को अगर आप हाथ नहीं लगाइएगा तो मदद करेंगे। और उन्होंने समझाया इस बात को कि अगर बिहारियों को मिला लीजिएगा तो आपका जीत निश्चित हो जाएगा, इसलिए ये भी आप गलत कर रहे हैं। और जब इस बात को उन्होंने माना और उसको सुधारा, तब प्रशांत जी, तो ऐसा उस ज़माने में उनको मालूम था कि आगे बिहार में ये करेंगे, जनस्वराज बनाएंगे। तो देखिए उस आदमी का उद्देश्य, इसीलिए मैं अभी उनके साथ खड़ा हूँ। हमको कहाँ मिलता है, एक आदमी नहीं मिला अभी तक जो बिहार में आए, बिहार के समाज के लिए कुछ अच्छा सोचे, इतना सक्सेसफुल आदमी जो आज अमेरिका में बड़ा बड़ा काम कर सकता है। आप बोलिए, हो सकता है उनके लिए बहुत छोटा बात होगा कि जाके डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन का स्ट्रेटजी बनाए, वो छोड़ के बिहार में गाँव घूम रहे हैं। साफ, कोई सीएम बनने के लिए इतना मेहनत नहीं करता। हम तो बोलते हैं आपको पीएम बनवा दिया जाएगा 2 साल में, आप इतना मेहनत कर नहीं कर पाइएगा। तो सोचिए उसकी, उस इंसान की इच्छा शक्ति, यही बात तो हमको दिखा और इसलिए हम उनसे जुड़ गए। क्या अच्छा लगा प्रशांत किशोर का आपको सबसे? ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, यही काफी है, ईमानदार बिहारी है। जिस व्यक्ति को पद की लालच लोभ ना हो, वो व्यक्ति काम के लिए पागल हो जाता है, और वही प्रशांत किशोर के अंदर दिखता है कि बस उन्हें विकास और काम चाहिए। जी बिल्कुल, उनको प्रेम है, बिहारी है, लोगों से प्रेम है और मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है राहुल कृति सिंह इन चीज़ों को लेकर क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक कर पाएंगे? मैं कोशिश करता हूँ हर जगह, मेरा तो काम ही है। ऐसे बिहारी के साथ नहीं दे तो धिक्कार है मेरे पे। मैं ही अपना वक्तव्य बता रहा हूँ, बाकी काम नहीं जानते।
क्या लगता है, जिस तरह से लोगों का समर्थन भी आप में बहुत ज़्यादा है, जहाँ लोग जाते हैं आप बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई समस्याओं को भी सुनते हैं, अगर ऐसा अगर सिवान के लिए आपको मौका मिले तो क्या चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, हमसे चुनावी चीज़ों में हमसे बहुत लोग अलग अलग हैं जिनको इसमें ज़्यादा ज्ञान है, उन लोगों को आगे आना चाहिए। हम तो भाई, सच्चाई ये है कि सिवान के लोगों के तरफ से हम खड़े हैं प्रशांत जी के साथ कि हाँ, सिवान आपका साथ है, ये मेरा उद्देश्य है। यही एक खास आप में देखने को भी मिलता है कि आप नेता की तरह नहीं, जो आपके दिल में आता है वो बोल जाते हैं, और यही सिवान की जनता भी चाहती है, जो दिल से काम करे, जो दिल से विकास की बात करे, वैसे लोगों की आवश्यकता है। अरे भाई देखिए, हम सिवान के ही लोकल हैं, सिवान के आदमी हैं, जब आते हैं यहाँ पे जाति धर्म में देखते हैं, महिलाओं को तकलीफ़ में देखते हैं, स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सेवा में इतना तकलीफ़ देखते हैं, तो हमको लगता है कि मेरे जो तकलीफ़ है वो आप में भी है, आप में भी है, सबका यही हाल है। तो इसमें मिसिंग लिंक जो छूटी हुई कड़ी बस इतना ही है कि हमारी इच्छा शक्ति इतनी सुलझ जानी चाहिए कि जो भी इंसान आपका प्रतिनिधि कर रहा है उसमें एक कम से कम कलाकारी हो कि वो समाज को जाति धर्म से ऊपर उठ के काम कर सके, इससे ज़्यादा कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो पलायन सिवान के लोग करते हैं जी, दूसरे प्रदेशों में और देशों विदेशों में काम कर रहे हैं जी, तो इसको कैसे रोक पाएंगे अगर आएंगे तो? देखिए, यहाँ कारोबार आएगा, यहाँ पे अलग अलग तरीके के काम होंगे, तरक्की होगी, डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, तो अपने आप रुक जाएगा। उस समय एक नया समस्या आएगा, पूरा भारत बोलेगा कि बिहारी नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, हम ऐसे ही चाहते हैं। अब बिहारी सिर्फ मजदूर नहीं रहेंगे, वो यहाँ पर खुद जॉब करेंगे और सारी व्यवस्थाएं होंगी। हाँ, तो देखिए, आप खुद सोचिए ना, कितने छोटे छोटे सैलरी पे कोई गुजरात में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, पंजाब में बैठा हुआ है, कोई कर्नाटक में बैठा हुआ है, कोई मद्रास में बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं है। एक बड़ा उदाहरण देखा गया था लॉकडाउन के टाइम में, जब लगभग बिहारी अपने बिहार लौट गए थे तो कई जगह की फैक्ट्रियों की कामें भी रुक गई थी। हाँ, वो तो हुई थी, उससे ज़्यादा चीज़ मुझे दुख हुआ था जब उनके साथ जिस तरह का प्रताड़ना देखने को मिला, जितनी तकलीफ, मुझे अभी भी याद है जब वो दिल्ली के बॉर्डर पे तकलीफ़ से घिरे हुए, उसमें कई लोग पैदल चल के बिहार आए, इस तरह का चीज़ जो है सो बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए। अब बिहार बदलेगा? हाँ, एकदम बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, और उसमें युवा और महिलाओं का स्पेशल ध्यान दे, मतलब ये होगा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उन्हीं लोग से उम्मीद है, मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ कि मुझे उनसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इधर बाकी लोग को तो देखते हैं कि उनको बड़ा मज़ा आता है जाति धर्म में ही बिजी रहने में, अरे कीजिए आप, अगर वही कुल्हाड़ी को आगे बढ़ाना है तो, नहीं तो आप बताइए कैसा, मतलब बड़ा दुखद है ये बात। उम्मीद किया जाए कि अब सिवान और बिहार पूरी तरह से बदलेगा, और उसमें जितना ज़्यादा युवाओं को जागरूक करने की जरूरत पड़ेगी, राहुल केतु सिंह पूरी तरह से तैयार हैं। अब एकदम एकदम मेरा सौभाग्य होगा कि हम किसी काम आए अपने सिवान के लोगों के। सिवान के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? कि भाई, इस बिहारी, हमारे बिहार के पुत्र प्रशांत जी और जन स्वराज को पूरी तरह से मदद करें, उसके साथ जुड़े, उसके साथ आगे चले, तभी हमारा समाज जो है सो सही दिशा में आगे बढ़ेगा, और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। धन्यवाद।